बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अतीक रहमान और तकरीर अपना यूट्यूब चैनल कश्मीर व्लॉग। उम्मीद करना ठीक ठाक हो, सो खैरियत नाल हो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमानी चो। जैसा कि तुसा तक एक पिछली असा वीडियो अपलोड की थी कि असा पंजाब ने एरिए विच दाखिल होए असा और पंजाब ने मुख्तलिफ एरिया अपर वीडियो अज बनाई दसा। अज असा इस वक्त पहुंचे हां, अज नी जड़ी वीडियो है ये असा इत्थे पहुंचे हां गुरुद्वारा। जैसा कि तुसा की पै काफी दोस्तों की पता भी है कि जो एक सिख बलादरी है गुरु नानक उन्होंने गुरुद्वारा आ उसने अंदर असा आए हां। और पहले तो गल की असा इत्थे पहुंचे हां और काफ़ी टाइम भी लाया, उस तो बाद असा कि इत्थे आए हां। तो जिस टाइम असा गेट पर एंटर होया तो उसने इन्हें आखिया कि अस अंदर ना जाई सकने, फिर है कि परमिशन मिली गई है। फाइनली असा हूँ इतना माशाल्लाह एक खूबसूरत जहाँ ब्लॉग शूट कर सा, इतने ने खूबसूरत जो नज़ारे तुम्हें दसा। काफ़ी सारे भैन भ्रा असाने जितने भी हूँ इस जगह से वाकफ नहीं से, असा ने कश्मीर तू अच्छे का मकसद यही कि इतने चलिए तुम्हें इसने बारे में दसा और नाल असा भी इस एरिए विजिट करी कि सा। तो अज इस वीडियो ने अंदर तुम इस पूरे एरिए विजिट करा सा। दोस्तों जितने भी शॉट दसे अपना इस साइड ने जितना भी एरिया सब तुम्हें दसे हूँ असं अगे अगे नाल नाल चल सा तुसा कि मजीद भी असं अगे चली तो दसा। और सबसे पहले तुम यह दसने कि जो गुरुद्वारा है वो इसने अंदर है और अंदर जाने वास्ते इसने वास्ते सबसे पहले दसा कि बाहर जुतियां छुतियां उतारनियां बनी और उस तो बाद अंदर जाइए जो पगड़ी है वो वगैरह बनने असं तो अंदर जाना भी नहीं है। असं चलो तुम बाहर से दसा और जे जितने भी जो अंदर जाने वो जिसकी इबादत करने वो सारे बंदे सोचो कि इतों अंदर निकले तो फिर अगर जाइए सारा कुछ करना है। बाकी है कि इस साइड पर माशाल्लाह वैसे खूबसूरती ने लिहाज में तक जाए तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा इसकी बनाया हुआ ने सजावट पार्क। और इस साइड पर अंदर साइड पर पानी भी आ गया वो भी चलसा सो भी दसा लाल इसने आस पास जितने भी खूबसूरत मंदिर ने वो तुम्हें इस वीडियो ने अंदर जरूर मिल सो वीडियो की लास्ट तक सो जरूर तक आया। असा अंदर गए वीडियो वगैरह बनाई है तो यकीन करो कि असने कोई किस्मत माड़ी सी एक फोन अगर खंडन की इजाजत दी ने तो उसने पर वीडियो असा शूट करने सा तो जिस टाइम उसकी बैटरी कोई नहीं तकी तो यकीन करो कि वो गया बंद हुई तो दोबारा असा कि उन्हें फोन अंदर नहीं खंड दिता। और इस टाइम असा मुड़ी बाहर आई गई फोन इतों निकलने नाल जुले इसने जो बाहर ने बाजार है और बाहर इसने आस पास जरा
मंजर है वह भी दसने हैं। तो एक गुरु नानक है, एक करतारपुर है जो कि सियालकोट ने अंदर है। अगर असा को टाइम हो तो इंशाला फिर किधर अस उस जगह पर भी जासा विजिट कर सा और अच्छा जहा विलाग उस तक मतलब बाकी तो कह सकते कि आवाम इतना काफ़ी ज्यादा जरा ना अच्छी पी है। तो बाकी हाँ जी फैजान भाई कैसा लगा फिर? ला तो बहुत अच्छा है मगर भाई खतीब ना इतना महंगा होने संदा फोन नो जवाब दे नहीं वो असल में डेड सी था इस वजह से उन आ गया कि मैं जोसा लेटेस्ट पार्टी सी जुर्माना पे सी गलत सुन इस तरह गलत सुन धोनी बिल्कुल ठीक है माजरत में करना बिल्कुल है पार्टी सी ना सर पार्टी माजरत पर पार्टी करी होनी है जुर्माना पे सी ना जुर्माना ना चलो है रसा तैयार है लेकिन वो मसला ये सी कि असा बैटरी कोनी फोन नहीं तकी बिल्कुल हम असा शनी यूज करने रे व्लॉगिंग वगैरह से बिल्कुल ना इसने हमारे जैसा अंदर गए उठिया क्योंकि फोन ना बाकी दो फोनों के लिए अच्छा सी हाँ। असा अंदर गए बाकी वीडियो तकरीबन थोड़ी थोड़ी शूट हुई है सन सारी बिल्कुल जो कि सब पीछे तकी हैं जी हां ते उसके बाद उस वाला बंद हो गया जब भाई तीन ले थे सी ते कोई पता नहीं हां जी दोस्तों तुसीं दसने से नानका घरों ही छोड़िया हूँ अगर आए तो यकीन करो कि नानके क्रॉस करी बाजारे क्रॉस करी पोचे अगर खेतों में तो यकीन करो कि तकी किंदी ना गोभी तो गोभी ना बाग तकी ना गोभी ना फुल तक कौन लगे हुए बहरहाल पत्थर बड़े बड़े तो माशाला जी बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आ पूरे पूरे अगर पिछले खेत जितने भी है माशाला जरा ना अगर पिछले सब्जियां लगे वा इन शाला अस जिते जुले हाँ उत्थे तो मैं आना बहुत ही प्यारियां वीडियो बन सुन अगर तुम्हें इन शाला अगले जो विलाग हो सुन उसने अंदर बहुत बहुत प्यारियां प्यारियां जगह तुम तक अच्छी रहे सुन लिहाजा चैनल के नाल लाजमी सब्सक्राइब करें जैसा कि अस गड्डी इतने खिलाई है तो हूँ असा सफर जो अगर ना जारी सारी आल जिते जिते अच्छी चंगी चीज़ तकने जैसा तुम्हें दसने जैसा फैजान भाई ये गोभी सही करिए दसी सको तो पूरे खेत की अगर कवर करो ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत अगर पिछा पंजाब ने नज़ारे जड़े नज़र रचने पे हर पास जितनी खूबसूरत मतलब फसल रड़िया वा तो एक साइड पर मैं तकी कितना फुल लगा हुआ फैजान साहब इधर शोला यह दसो ना जी गोभी लगी हुई है दसी ने जे भाई जी कोई तो तकनो आखसी पटने पे तो भाई जी भाई जी कदा भी नहीं आखने ये मैं गरंटी आई सकना कि उन्होंने पता ये बंदे वीडियो बनाने पे और वो कदे भी नहीं मेहनत करने और पंजाब में अगर भी ऐसा गोंगलू खाते से उल्ला गोंगलू भी लगे से जिन्हों को भी खो जिन्हों को भी ये नसीबा ही लगनी है वक्ती था अगर जिले तकने क्या क्या हाँ जी दोस्तों जैसा कि तुसा पहले तो असा नाल गोभी दसी ना थोड़े जे अगर सफर किया तो यकीन करो कि बड़ा ही खूबसूरत बाग जड़ा आ अमरुदा ना सकी नज़र आई गया इस साइड पर और इसने अंदर मतलब स्टाला ये जी फसल होनी है ना एक राय भी ने मनियम डंगरा बाहने वास्ते वो जो कट्टी तो बाहने वो इसने अंदर रहा वाने तो बाकी है कि माशाल्लाह बड़ा ही आला किस्म ना अमरूद ने जड़ा ना ये बाग है मैं अगर चलना हाँ क्योंकि इतने मैं कुछ तक अमरूदा नाल जड़े ना नाल फल भी पिया वा ठीक है वो भी अगर चली तो दसना और इस पूरे बाग की इस तरीके इना लिया वै कि ताकि इसने अंदर जरा बाकी जी जगह ही है इसने ट्रैक्टर भी फिरी सकना है और बाड़ी जितनी भी है ये ले भी सकने राही भी सकने और जो कुछ इसने रहना चाह इन तो हालांकि स्टाला रहा उसका ठीक है जो कुछ भी मंजिया चारा होना है और रहा उस ने अगर गल की थी तुसें कि मैं अमरूद चली तो दसा इस साइड पर माशाल्लाह तकी सकने तुसा इस साइड पर यह अमरूद पक्के हुए मौजूद है बाकी असाने सामने की साइड पर एक लिंबू ना बाग है वह भी अगर चली तुसें दसना माशाल्लाह उसने भी काफ़ी ज़्यादा लिंबू वगैरह लगे हुए और इंशाल्लाह तुसें इस तरीके ने अस जितने भी अगर पिछले ने इतना और पूरे पूरे व्लॉग अस स्पेशल जड़े ना बनासा और इंशाल्लाह तुसा तक ये खूबसूरत खूबसूरत जड़िया ना वीडियो तुसा तक जरूर आता माशाल्लाह जिस तरह ये बाग अस इतना खूबसूरत लगा तो बाकी है कि इस साइड पर भाई जान आए पंजाबी बोलते हैं हाँ जी भाई जान क्या हाल है सर ठीक पंजाबी बोलते हैं भाई आपका आपका बाग है नो किसका है भाई ये पीछे उनका है अच्छा अच्छा तो इसको लगाए हुए कितना टाइम हुआ है इसको अभी एक साल हुआ है एक साल में ये तैयार हुआ तो इसके अंदर जो ये कुछ लगा हुआ है ये क्या है ये घास है घास है जानवरों के लिए तो ये इनके साथ कोई दूसरे भाई हैं उनका बाग है और इसके पीछे कौन सा बाग है लीमू का बाग है ये सामने भी लीमू का बाग है अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया भाई तो हम कश्मीर से आए तो अभी हम आपको दिखाते हैं लीमू का बाग जो कि रोड की उस साइड पे है और हम इस साइड पे थे
अभी चलते हैं लीमू के बाग। ये रहा लीमू का बाग, इसमें गंदम की ओ यार मेरी उर्दू नहीं याद आई है, हालांकि मैं भाई होना गल करना सी उर्दू बिच फिर ओ याद नहीं रही है। तो गल करी दी कि इस साइड पर लीमू ना बाग, ठीक है ये सारा, और इसने बिच फसल जी रड़ी हुई है वह गंदम है, और इसने पानी ताज़ा लगावा, इसने चंदर ना जाई सकने क्योंकि पैर बिच खुबी जाने तो खराब हो जाने, ये सारे लीमू है, ठीक है। और अगर चलने उम्मीद करने अगर तुम्हें वीडियो सारिया जरूर पसंद अच्छी उस दुआ है कि अल्लाह तला शाद और आबाद रखो, क्योंकि असा फैजान भाई तो अपना खतीब भाई भी मौजूद है। और एक चीज़ मैं नोट करी रहा कि मैं इस जगह पर कुछ समझ नहीं लगनी पी कि क्या निकली रहा इस जगह पर, और अज ना विलाग जरा तक जरूर पसंद आया उसी, अगर विलाग पसंद आया तो वीडियो भी जरूर यार मोटरसाइकिलों ने जाने तो डिस्टर्ब करने, उम्मीद करना कि आज नहीं वीडियो से जरूर पसंद आई सी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो के लाइक भी करे, शेयर भी करे और कमेंट करी दे, सो लाजमी दस कि वीडियो से कैसी लगी, और जितने भी भैन भरा सने चैनल पर पहली दफा आए चैनल की नाल लाजमी सब्सक्राइब करे और बैल आइकन की जरूर प्रेस करे। हूँ दो मैं इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह सोने वाला है।